हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इंटरमीडिएट चैनल। एज यू नो, मैं हूँ ममता। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पलाश के फूलों के अनेक फायदे। जी हाँ, ये पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है और आप जान भी नहीं पाएंगे। आपने इससे पहले हो सकता है शायद सुना भी ना हो कि इसकी कितने दुर्लभ औषधीय गुण हैं इसके अंदर। आइए जानते हैं। मधुमेह से संबंधित, आँख से संबंधित बीमारियों में जैसे मोतियाबिंद एनीमिया, गुर्दे की पथरी, मूत्र संबंधी विकार और मूत्राशय में दर्द का इलाज करने के लिए उपयोगी माना जाता है। पलाश को ढाक, पला, जंगल की लौ आदि नामों से भी जाना जाता है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। जी हाँ, भारतीय इतिहास में पलाश के पेड़ का प्रमुख स्थान रहता है। जी हाँ, इस पेड़ के लगभग सभी हिस्से औषधीय गुणों से काफ़ी प्रयोजनों में उपयोग किए जाते हैं। भारत में पुजारियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों में पलाश की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इससे प्राप्त होने वाली गोंद बहुत से रोगों के उपचार में उपयोग में लाई जाती है। साथ ही इस पेड़ से लाख भी प्राप्त होती है, जिसका उपयोग पलाश के फायदे जी हाँ को भी और अधिक बढ़ा देते हैं। आयुर्वेद में इस पेड़ को कृमिनाशक कहा गया है और टॉनिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पलाश की पत्तियों में ग्लूकोसाइड, लिनोनेइक जी हाँ एसिड और ओलिक एसिड जैसे लिग्नेशेरिया एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। पलाश की छाल को गैलिक एसिड जी हाँ साइनाइड और लुपेनोन, पेलेसिट्रिन, बुट्रीन, ब्यूटोलिक एसिड और पेलेसाइमिलाइड होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के फायदे मोतियाबिंद के उपचार को दर्शाते हैं। इस उद्देश्य के लिए पलाश के फूलों का रस आवश्यकता होती है और या फिर पलाश के बीजों को पानी में भिगोकर छोड़ दें और 48 घंटों के बाद पानी निकालकर इससे लेप तैयार करें और इस लेप को, इस पेस्ट को अपनी आंखों में काजल की तरह लगाएं। इस पेस्ट का नियमित रूप से प्रयोग करने से धीरे धीरे मोतियाबिंद के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। यदि आप किसी भी तरह के पेट की समस्याओं से जैसे ही आंतरिक घावों, अल्सर आदि से परेशान हैं तो आप पलाश के फूल का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके पेट में आँत से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए आप 2-3 ग्राम पलाश के फूल का पाउडर उपयोग करें। अपच या बदहजमी, डिस्पेसिया के कारण लक्षण, विभिन्न त्वचा संक्रमण को दूर करने के लिए ढाक के बीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके बीजों में बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट और संक्रमण विरोधी गुण होते हैं। पलाश के बीजों का उपयोग आप त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे दाद, फोड़े, फुंसी, अल्सर या इनसे होने वाली सूजन को कम करने के लिए कर सकते हैं। पलाश के बीजों को अच्छी तरह पीस कर इसका आप एक पेस्ट बना सकते हैं और प्रभावित अंगों पर जी हाँ इस मिश्रण को तैयार करके उस जगह लेप कर सकते हैं और समस्या से निजात पा सकते हैं। आप इस पेस्ट को तब उपयोग करें जब तक आपकी समस्या का हल नहीं हो जाता। यदि आपके शरीर का तापमान हमेशा अधिक 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहता है तो यह बुखार होने की संभावना को दर्शाता है। पलाश के फायदे उन लोगों के लिए भी हैं जिन्हें अक्सर बुखार आता है। ऐसी स्थिति में आप पलाश के फूलों को पीसकर उसका रस निकाल लें। इस रस को चीनी या दूध के मिश्रण के साथ मिलाकर सेवन करें। यह मिश्रण आपके शरीर से अधिक तापमान को नियंत्रित कर उसे संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करता है। शरीर में अतिरिक्त गर्मी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको रोजाना 3-4 चम्मच मिश्रण का सेवन करना चाहिए। पलाश के फूल को सूजन कम करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यदि आप किसी भी चोट या सूजन से परेशान हैं तो आप इस पलाश के फूल का उपयोग कर सकते हैं। यह एक आयुर्वेदिक वृक्ष है जो आपकी बहुत सी परेशानियों को दूर करने में सहायता करता है। जी हाँ, सूजन को दूर करने के लिए पलाश के फूलों को बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। यह आप पानी की भाप में हल्की आँच पर पलाश के फूलों को गर्म करें और सूती कपड़े की सहायता से इन फूलों को प्रभावित क्षेत्र पर बांधें। ऐसा करने से आप गठिया, चोट, मस्तिष्क आदि की सूजन और दर्द को कम कर सकते हैं। पलाश के फायदे ऐसी समस्याओं के लिए प्रभावकारी निदान के लिए जाने जाते हैं। गले में दर्द है, जी हाँ, पलाश के पत्तों को इससे आप लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे गले में संक्रमण है, दर्द का उपचार के लिए पलाश के पत्तों को फायदे में लिया जा सकता है।
पलाश के कुछ पत्तों को तोड़ें और इनको पीसकर इसका रस निकाल लें। इस रस को पानी में मिलाकर इसके गरारे करें। यदि आपके गले की तकलीफ को दूर करने में राहत का दिलाने में काफ़ी मदद करेगा ये, आपको खराश से छुटकारा मिल जाए। कभी बार कभी कभी मैं किसी चीज़ को इतना डिटेल में बताती हूँ ताकि आप लोगों को किसी चीज़ को समझने में समस्या ना हो। जो भी मेरे वीडियो को देखे मैं उसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और इसका लाभ उठाइए। के लिए ऐसी चीज़ें लेकर नहीं आती हूँ जो असंभव हैं, मैं वो चीज़ें लेकर आती हूँ जो संभव हैं और आपके आसपास ही पाई जाती हैं, लेकिन आप किस तरह से उनका उपयोग होता है यह नहीं जानते हैं। पलाश का उपयोग मधुमेह के लिए, मधुमेह के प्रभाव को कम करने के लिए पलाश के फूलों का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आप पलाश के सूखे फूलों का पाउडर को कैंडी, चीनी जी हाँ के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार करें। स्वाभाविक रूप से आप अपने शरीर में चीनी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन 1 से 5 से 2 ग्राम तक इस मिश्रण का सेवन करें, या फिर आप पलाश के फूलों को एकत्रित कर सुखा लें और इससे एक दिन एक एक फूल को रात को पानी में भिगने दें और सुबह इस पानी का सेवन करें। इस तरह 5वें दिन तक फूलों की संख्या बढ़ाते रहें। इसी तरह इन फूलों की संख्या को घटाते हुए इस पानी का सेवन करें। यदि आप ऐसा लगातार 2 से 2.5 माह तक करते हैं तो आपको अपने शरीर में चीनी के स्तर में प्रभावी अंतर पा सकते हैं। शुगर, मधुमेह के लक्षण और निदान के बचाव के लिए ही ये नुस्खा है। मासिक धर्म के समय आप पलाश के किस तरह फायदे उठा सकते हैं? यदि आप मासिक धर्म अवधि के अनियमित जी हाँ समय से रक्तस्राव से परेशान हैं तो पलाश के फायदे आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए नियमित रूप से 2 से 3 माह तक आप रात को सोने से पहले पलाश के पत्तों का 3-4 चम्मच रस का सेवन करें। यह मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को हल करने में प्रभावी तरीका हो सकता है। पलाश के फूल में इतने गुण होते हैं कि ये नपुंसकता को भी दूर करने में सक्षम है। पुरुषों में नपुंसकता की बीमारी को दूर करने के लिए पलाश के फूलों का उपयोग किया जाता रहा है। इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए जी हाँ पलाश के फूलों को इकट्ठा कर सुखा लें, इनका पाउडर तैयार करें और इस पाउडर की कैंडी या चीनी में मिलाकर नपुंसकता दूर करने के लिए 1 गिलास दूध में इस मिश्रण को 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इसका सेवन करें। यह पुरुष को प्रजनन संबंधी सभी समस्याओं से दूर करने में मदद करता है। आपको खांसी है और आपकी खांसी नहीं जाती है, आंतों संबंधित समस्याओं को जी हाँ हल करने में सबसे अच्छे विकल्प पलाश के गोंद के पाए गए हैं। इसका उपयोग किया जा सकता है। पलाश के गोंद को फायदे के लिए खांसी में स्टेमाइटिस, मुख मौखिक गुहा सूजन, अत्यधिक पसीना, राहत दिलाने के लिए पलाश के गोंद का उपयोग, दस्त और खसरा के इलाज के लिए भी किया जाता है। गोंद का घोल डिकोकेशन या जल सेक एनिमा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं किसी चीज़ को भी बताने से पहले आपसे यही कहूँगी, आपके पास जो भी वैद्य हों उनकी सलाह से ही इस नुस्खे को तैयार करें। आप अपने आप कोई भी चीज़ ना लें, इसकी जितनी मात्रा बताई गई है उतना ही सेवन। औषधीय गुणों से भरपूर पलाश के फायदे बहुत अधिक और जहां तक नुकसान की बात है तो इसके नुकसान भी अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं है। फिर भी यही कहा जा सकता है कि पलाश के पेड़ और अन्य भागों का सेवन अधिक मात्रा में ना करें। अवस्था और स्तनपान के समय पलाश के उत्पादों का सेवन करने से बचना चाहिए। लंबे समय तक इनका सेवन करने से एनीमिया और किडनी से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं, इसीलिए इसका सेवन कम मात्रा में करें, सीमित अवधि के लिए किया जाना चाहिए। के रूप में हमारे आसपास खजाना भरा पड़ा है लेकिन जानकारी ना होने की वजह से इसके इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए एलोपैथिक दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। पलाश भी औषधीय गुणों से भरा हुआ एक वृक्ष है। इसकी छाल, पत्ते, जड़, फूल, फल आदि अनेक बीमारियों से हमें निजात दिलाने में समर्थ है। इसे ढाक, टेशु, गुजराती में खासरा, तमिल में पुंगू और कुतुसुमुक, किंजुक आदि नामों से जाना जाता है। अगर गर्भावस्था में गर्भवती महिला को पलाश के फूल का एक फूल प्रतिदिन पीसकर दूध में मिलाकर देने से संतान बल वीर्यवान संतान का जन्म होता है। गर्भधारण करते ही महिला को गाय के दूध में पलाश के कोमल पत्तों को पिलाना शुरू किया जाए तो बलशाली संतान का जन्म होता है। पलाश के बीजों का लेप करने से अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है। टेसु के फूलों के रस को शहद में मिलाकर लगाने से आंखों में काजल की तरह लगाएं, इससे जो है नेत्र ज्योति बढ़ती है।
अगर आपको रंधोंधी की शिकायत है तो आग की जड़ का अर्क लगाने से आपको फायदा हो। अगर रंधोंधी की शुरुआत है तो आप इसके फूलों का रस भी आंखों में डाल सकते हैं। अंकोश और मूत्र विकार, सूजन संबंधी समस्याओं में, मासिक धर्म में, पेशाब में रुकावट संबंधी समस्याओं में टेसू के फूलों को उबालकर उसकी पुलटिस बनाकर पेड़ पर बांधना चाहिए। पलाश की छाल का 6 ग्राम चूर्ण का सेवन पानी के साथ करने से अंकोश का पानी सूख जाता है और अंकोश छोटा हो जाता है। ढाक के फूलों का 1 चम्मच रस पीने से ये पेशाब में जलन और रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या से छुटकारा दिलाता है। ऐसी बीमारियां जैसे बड़े बड़े डॉक्टर को आप दिखाते हैं तो आपको सिवाय ऑपरेशन के कुछ नहीं हल है। टेसू की छाल का काढ़ा मिसे मिलाकर पीने से नाक, जी हाँ, मल मार्ग, मूत्र मार्ग, योनि से होने वाले रक्त स्राव बंद हो जाता है। ताजा दही के साथ घी में बना साग खाने से बवासीर से राहत मिलती है। पलाश के बीजों का 3 से 6 ग्राम चूर्ण सुबह शाम दिन में लेने से चौथे दिन, जी हाँ, 10 से 15 मिलीलीटर अरंडी का तेल गर्म कर दूध में मिलाकर पीने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं और पेट साफ। अगर आप पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये समझिए कि आपने चांदी के बर्तनों पर भोजन करने का लाभ उठा लिया है। पलाश की गोंद का बारीक चूर्ण बनाकर पुराने से पुराने घाव पर आप छिड़क दें, वह भरने लगता है। वसंत ऋतु में टेसू के फूलों को पानी में मिलाकर उबालकर नहाने से गर्मी की तपन से रक्षा होती है और त्वचा रोग दूर होते हैं। दाद खाद खुजली से ढाक के बीजों और नींबू के रस में मिलाकर पीस कर लगाने से लाभ होता है। पलाश के बीजों का चूर्ण रस नींबू के रस में मिलाकर लगाने से दाद खाद खत। अन्य प्रयोग जानते हैं, आइए। पलाश के पत्तों का रस लगा लेने से 15 मिनट में बुखार की गर्मी उतर जाती। पलाश की जड़ को सरसों के तेल में मिलाकर सुबह शाम 2-2 ग्राम चम्मच लेने से पील पाव या हाथी पाव के आराम मिलता है। शरीर में कहीं भी गांठ हो तो इसके पत्तों को गर्म करके बांधने से उसका गर्म लेप बांधने से राहत मिलती है। पलाश का 1 से 3 ग्राम गोंद दूध मिश्री के साथ या आंवला के रस के साथ लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं और बलवीर में वृद्धि होती है। पलाश के बीजों को मदार के दूध में पीस कर लगाने से बिच्छू काटने के दर्द में चला जाता है, आपको छुटकारा मिल जाता है। पलाश का अर्थ क्या है? ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। पलाश 2 शब्दों से मिलकर बना है, पल एवं अंश। पल का अर्थ संस्कृत में मांस बताया गया है और इस अंश का अर्थ जो है मतलब मांस, जी हाँ, खाना, अर्थात ऐसा पेड़ जिसने मांस खाया हुआ। पलाश के शास्त्रों में ब्रह्म पूजन अर्चन हेतु पवित्र माना जाता है। पलाश में 3 पत्ते भारतीय दर्शन शास्त्र के त्रिक के प्रतीक हैं। पलाश के पेड़ 5 फीट से लेकर 15 से 20 फीट तक ज़्यादा ऊंचे होते हैं और एक ही डंठल में 3 पत्ते एक साथ होते हैं। बसंत ऋतु में केसरिया लाल रंग के फूल आते हैं। इसका वृक्ष दक्षिण और भारत के पूर्वी एशिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका एवं पश्चिम इंडोनेशिया में भी देखा जाता है। पलाश सफ़ेद प्रकार के भी होते हैं। सफ़ेद प्रकार को और भी विशेष जड़ी बूटियों की तरह यूज़ किया जाता है। मैं फिर किसी दिन सफ़ेद पलाश के फायदे लेकर आऊँगी। अभी इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी अभी समय नहीं है। पलाश के 5 अंगों, जी हाँ, यानी पूरा पंचांग, तना, जड़, फल, फूल और बीज से औषधि बनती है। इस पेड़ से गोंद भी मिलता है जिसे कमरकस कहा जाता है। पलाश के फूल कुष्ठ रोग, दाह, वायु संबंधी बीमारी, पित्त, कफ, तुषार, रक्त दोष एवं मूत्रकृश आदि रोगों को भगाने में काफ़ी असरकारक हैं। ये आंखों की रोशनी भी वो करते हैं। वैसे सफ़ेद पलाश के फूल अगर आपको कहीं मिल जाएं तो ये अति दुर्लभ है, इसे ज़रूर ले आएं। और कहते हैं कि सफ़ेद पलाश की कोमल पत्तियाँ अगर किसी स्त्री को खिलाए जाएँ तो उसको लड़का होता है। चलो, मैं तो इस बात में यकीन नहीं करती क्योंकि आजकल तो बेटे और बेटियां दोनों ही बराबर माने जाते हैं। फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें बेटे की ज़रूरत है। हर घर में मैं तो कहती हूँ बेटे भी हों, बेटियां भी, दोनों ही हों। मैं इसी तरह छोटी छोटी जानकारियां लेकर आपके यहाँ आती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि इसका फ़ायदा और भी भाई बहन उठा सकें। और उनसे कहिए कि वो भी आगे शेयर करें ताकि जिस किसी को भी इस तरह की कोई भी परेशानी हो, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ये एक ऐसा वृक्ष है दुर्लभ होने के साथ साथ
इतना दुर्लभ भी नहीं है कि आपको ना मिल सके, और इतना वो भी नहीं है कि आप इसका फ़ायदा ना उठा सकें। ऐसी छोटी छोटी प्रक्रिया, छोटे छोटे मैंने इसमें इलाज बताए हैं जिससे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ग्रोथ करने में मदद कीजिए। प्लीज़ आपसे मैं बार बार यही कहती हूँ, मैं इसी तरह के